हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एनसीईआरटी जोन। आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे, सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी। हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बायो की, इकोनॉमिक्स की एंड सोशल साइंस की सीरीज शुरू कर चुके हैं, एंड ये नया सीरीज है, सीरीज ऑफ अकाउंटेंसी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम अपने सीरीज पे आते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, एंड हम अकाउंटेंसी की शुरुआत करेंगे इसके बेसिक्स से। हमारा पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी चीज़ अगर हम शुरू करते हैं तो ये मस्ट होता है कि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, उसकी मीनिंग हमें पता हो, देन हम आगे बढ़ते हैं। जब हमें मीनिंग ही नहीं पता होगी तो फिर बीच में जा कर के कुछ पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग होती क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये नोट्स बनाया है, इसमें लिखा है इन 1941 द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AICPA कहते हैं, हैड डिफाइंड अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने डिफाइन किया, ये मीनिंग बताई अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, उसको समराइज करने का, एस मनी के टर्म में, किसको क्लासिफाई करने का, किसको रिकॉर्ड करने का, जो भी ट्रांजेक्शन्स हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और उनको समराइज करने का, ताकि हम भविष्य में, ताकि हम फ्यूचर में उन इंफॉर्मेशंस को देख सके, उनसे जो भी हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ हम फॉरकास्ट कर सकें। इसीलिए अकाउंटिंग का ये मतलब निकाला है AICPA ने, एंड इसका फ़ायदा भी यही होता है, ताकि हम फ्यूचर में जो भी काम कर रहे हो वो हम देख सके अपने रिकॉर्ड को उठा करके। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के पे, एंड दैट इज़ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस इसका जस्ट लाइक ऑपरेशन साइकिल होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। जैसे ऑपरेशन साइकिल चलती रहती है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बेचते हैं, फिर हमारे पास पैसा आता है, उसी पैसे से हम फिर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर से प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर से बेचते हैं, फिर से हमारे पास वापस पैसा ही आता है। तो जिस तरीके से ऑपरेशन साइकिल चलती रहती है, उसी तरीके से ये जो अकाउंटिंग है उसकी भी सेम प्रोसेस है। आप देख सकते हो, सबसे पहला हमारा होता है इकोनॉमिक इवेंट। मैं सारे टॉपिक्स को डील करूंगा आपको। सबसे पहला क्या है? इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट के बाद हमारा आता है, शुरू होता है हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस। देन हमारा आता है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, उसको समराइज कर लिया, देन हम क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करते हैं। ये कहाँ कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। देन कम्युनिकेशन के बाद हमारा आता है, किसको कम्युनिकेट करते हैं, डिसीजन मेकर्स को। एंड डिसीजन मेकर्स में कौन कौन आ जाएगा? डिसीजन मेकर्स में आपको दो यूजर्स आ जाएंगे, एंड दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ये दोनों कौन कौन से हैं, ये कौन लोग हैं, इंटरनल यूजर्स कौन होंगे, एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे, मैं आता हूँ उस पर बताता हूँ। तो ये डिसीजन मेकर्स, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं, इन सबका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है कंपनी में। देन जब डिसीजन मेकर्स को हमने कम्युनिकेट कर दिया, फिर से ये चीज़ कहाँ पे जाती है, फिर से इकोनॉमिक इवेंट पे जाती है। एंड आप ये देख सकते हो, ये चला जा रहा है, बस रिवॉल्व हो रहा है, और यही प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। तो आते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, इकोनॉमिक इवेंट कहते किसे हैं। तो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो परचेज ऑफ मशीनरी हो, चाहे वो परचेज ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सेलिंग ऑफ गुड्स हो, चाहे वो गिविंग डिस्काउंट टू समवन हो, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल्स हो, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ फ़र्क पड़ता है, हमारे कंपनी को या तो इनकम होता है या फिर लॉस होता है, या फिर हमारा एक्सपेंस होता है, या फिर हमारा कुछ प्रॉफिट होता है, तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं।
एंड ये जो भी चीज़ें हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्ट करते हैं तो ये हमारा एक ये ज़रूरत बन जाती है कि हम इसको ऐसे मैनर में रखें ताकि फ्यूचर में हम अपने पिछले अकाउंटिंग ईयर के सारे जितने भी हमने किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है या फिर हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले साल, हम उनको देख सके एंड आने वाले ईयर में उस चीज़ों से सबक लेकर ले सके और ऐसे प्लानिंग करें, ऐसा फॉरकास्ट करें ताकि पिछले साल की गलतियां हम ना दोहराएं। इसीलिए ये ज़रूरत हो जाती है कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस करें। तो सबसे पहले हमने देखा इकोनॉमिक इवेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, देन हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस पे आते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को लेकर के हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करते हैं, हम उनको समराइज करते हैं और जब हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो जाता है देन हम उस इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो आप देख सकते हो कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब किसको कम्युनिकेट करेंगे, तो ये डिसीजन मेकर्स को हम कम्युनिकेट करेंगे। डिसीजन मेकर्स में आप देख सकते हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स में कौन आएगा, एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आएगा? इंटरनल यूजर वो यूजर्स हैं जो हमारी कंपनी के अंदर हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे बिजनेस फर्म के अंदर हैं। जैसे एम्प्लॉयज हमारे हो गए, हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, हमारे वर्कर्स हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, ये सब हमारे क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे गवर्नमेंट हो गई, एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स में जैसे हमारे वेंडर्स हो गए। तो या तो ये एक्सटर्नल होंगे या फिर ये इंटरनल होंगे, लेकिन इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कंपनी से ज़रूर होगा। तो हमने देखा ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कैसे रिवॉल्व होती रहती है, कभी ये ख़त्म नहीं होती। ठीक है, फिर आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे एंड दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले तो हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जहाँ जहाँ हमने ट्रांजेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था या फिर आगे आने वाले सालों में हम क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो ये फ़ायदा होता है मेंटेन करने के लिए, हम रिकॉर्ड रखते हैं। देन दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है अकाउंटिंग से? अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है कि पिछले अकाउंटिंग ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। देन हमारा आता है तीसरा ऑब्जेक्टिव डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या पता क्या मतलब होता है? हम अकाउंटिंग करते समय बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमें दिखाता है कि हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, जिससे हमें हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखा मीनिंग क्या होती है अकाउंटिंग की, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। देन अकाउंटिंग में आगे जो भी हमारी चीज़ें आएंगी, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड भी बहुत सारी टॉपिक्स हैं हमारे जो हम सब आगे के क्लासेस में हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में, अकाउंटेंसी में, जो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपका बेसिक आधा अधूरा